गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होप यू गाइस आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज फिर से एक न्यू कार रिव्यू के साथ, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, सभी की फेवरेट, बहुत ही मजेदार और बढ़िया बजट रेंज में सबसे बेस्ट फिट होने वाली मिडिल क्लास फैमिली के लिए, द ऑल्टो VXi 800 BS6 वेरिएंट के साथ। सो बहुत ही बढ़िया है, तो जल्दी से करते हैं इसका रिव्यू, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ऑल्टो 800 VXi मॉडल एंड दैट टू BS6 वेरिएंट। सो अब इसका स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो अगर फ्रंट से बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि ग्रिल में बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज हुआ है, और जो इसका फ्रंट बम्पर है उसमें भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंज किया गया है। जो पुरानी ऑल्टो 800 आती थी, बिल्कुल बेसिक सा फ्रंट बम्पर एंड फ्रंट ग्रिल ली गई थी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। आप डिज़ाइंस चेक कर सकते हैं। एंड फॉग लैम्प्स इसमें आपको जो टॉप मॉडल में मिलती है, ये बेसिकली VXi है, तो इसके बाद एक और मॉडल आता है VXi प्लस। सो वहीं पे बात करें, सुजुकी का लोगो एंड फ्रंट ग्रिल कुछ इस टाइप से टॉप की। वहीं पे अगर हम आए हेडलैम्प्स की ओर, तो यहाँ पे आपको बेसिक हेलोजन हेडलैम्प्स मिलती हैं। सो वहीं पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बेटर की गई है, जिससे फ्रंट में लाइट थ्रो तो होगा इंडिकेटर्स का, साइड में भी होगा, तो आप एक बार यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो डिज़ाइन बहुत बेटर किया गया है, और जो इसका फ्रंट बम्पर है इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है पिछले वाले से, तो काफ़ी बेटर है और इजीली दब भी नहीं रहा है। सो फ्रंट ग्रिल ये थी, तो ये थी कुछ ऑल्टो 800 VXi की फ्रंट प्रोफाइल। तो अगर यहीं से हम चले साइड प्रोफाइल की ओर, तो यहाँ पे आपको जो इसके व्हील्स हैं वो मिलेंगे 14 इंचर्स 145:80 की रेशियो के। सो वहीं पे अगर अलॉयज तो इसमें है नहीं, बेसिक बजट कार है, तो इसमें आपको व्हील कप्स मिलते हैं, ये बेटर है। और वैसे भी जो अलॉयज से नॉर्मल रिम्स होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा प्रूफ भी किया गया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड साइड प्रोफाइल्स में साइड स्कर्ट्स आपको मिलती हैं, या आप कह सकते हो कि डोर प्रोटेक्टर्स। तो यहाँ पे आपके जो ORVMs हैं वो बिल्कुल बेसिक ORVMs मिलते हैं, तो जो पुराने स्टाइल में आते थे, एंड बजट रेंज कार में आप और इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और भी, तो उनके बारे में बात करेंगे। बैक डोर के लिए आपको यहाँ पे डोर प्रोटेक्टर मिलता है विद ऑल्टो रिटन हेयर। तो ये था कुछ साइड प्रोफाइल के बारे में। अगर वहीं पे चलें बैक प्रोफाइल की ओर, तो बैक प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। एंड जो लाइट्स की प्लेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड डिज़ाइन भी एक न्यू डिज़ाइन में बिल्कुल लाई गई है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ब्रेक लाइट है उसको पूरा कवर कर रखा है इन्होंने, तो ये जो लाइट थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड साइड से भी आपको ब्रेक लाइट का थ्रो बढ़िया मिलने वाला है, जो कार साइड से आ रही होंगी तो उनको भी विजिबिलिटी अच्छी होगी रात में या दिन में भी। तो ये इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट एंड वहीं पे नीचे पार्किंग लाइट्स या बैक लाइट की प्लेसमेंट। सो अगर बात करें बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में ऑल्टो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, मारुति सुजुकी लोगो, एंड मॉडल की इसमें बताई नहीं गई है। अभी बेसिकली मारुति जितनी भी अपनी BS6 कार्स लॉन्च कर रही है, तो उनमें मॉडल्स वगैरह यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आप ये एक बार बैक प्रोफाइल और अच्छे से देख सकते हो। एंड वन मोर, जो इसमें न्यू एडिशन हुई है वो है पार्किंग सेंसर्स की। सो ये दो पार्किंग सेंसर्स आपको पहले से ही VXi मॉडल में इंस्टॉल्ड मिलेंगे। तो अगर आप एक बार बैक बम्पर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे कर्वी सा डिज़ाइन दिया गया है, एंड बैक बम्पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है इस बार, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया मारुति ने। पहले जो बाकी कार्स में BS4 वेरिएंट्स के कार की बॉडी के मामले में, BS6 वेरिएंट्स की कार्स की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई है। एंड ये एक और कर्व यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए। तो ये साइड प्रोफाइल, ये जो है साइड स्कर्ट्स या आपको या डोर प्रोटेक्टर्स या आपको एक्सेसरीज में अलग से डलवाने पड़ेंगे, एंड रेन वाइजर्स भी। सो ये है ऑल्टो 800 का इंजन, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 799 cc, जो प्रोड्यूस करता है 47.3 bhp ऑफ पावर। एंड माइलेज की अगर इस कार की बात करें, तो ये अराउंड 25 के अराउंड माइलेज देती है ऑन हाईवे, एंड इन सिटीज़ 20-22 के करीब माइलेज ये इजीली दे देती है।
सो बहुत ही बेटर है माइलेज के हिसाब से, इसीलिए ये मिडिल क्लास के बजट में बेस्ट फिट होती है। तो ये सब था एक्सटीरियर के बारे में, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो जो इसमें आपको की मिलेगी वो ये बेसिक की है, सेंटर लॉकिंग आपको एक्सटर्नली लगानी पड़ेगी अलग से मार्केट से। तो डोर्स की बात करें तो डोर्स आपको ड्यूल टोन कलर में मिलते हैं, वाइट एंड ब्लैक कलर के टोन में एंड बेसिक बिल्कुल। सो डोर लॉक्स भी बिल्कुल बेसिक वाले हैं एंड डोर पॉकेट्स यहाँ पे दिए गए हैं विदाउट बॉटल होल्डर्स। यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट तो है नहीं बट उनकी स्पेस दी गई है एंड और अगर सीट कवर्स की बात करें तो ये भी एक्सटर्नली एसेसरीज में डलवाए गए हैं। बेसिक सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सीट एडजस्टर आगे पीछे करने के लिए एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन बूट स्पेस खोलने के लिए एंड फ्यूल लिड खोलने के लिए। सो ये मड फ्लैप्स यहाँ आप कह सकते हो कि मड कवर्स भी आपको एक्सटर्नली लगवाने पड़ेंगे। तो और चलते हैं अंदर की तरफ और अच्छे से जानते हैं इंटीरियर्स के बारे में। सो अब मैं अंदर आ चुका हूँ गाड़ी के, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फोर पीपल के हिसाब से ये जो गाड़ी है ये बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग, कंफर्टेबल तो आप देख ही सकते हैं, मेरी हाइट जो है वो बेसिक है अभी 5.6 फुट की हाइट है। तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाया है इसका। डैशबोर्ड को भी ड्यूल टोन कलर्स में रखा गया है। यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है एक बीम एडजस्टर, हाई टू लो बीम एडजस्टर, बाकी दो वेकेंट स्विचेस, तो इनमें आप कुछ एडिशन कराना चाहो तो वो करवा सकते हैं। बाकी जो एयर फ्लो ग्रिल्स हैं या आप कह सकते हो एयर वेंट्स, वो आपको यहाँ पे विद सिल्वर फर्निश में मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंटीरियर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि लोग देखते ही इसे लेने की कोशिश करें। एंड मिड रेंज में पहले ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, तो उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और लें, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है ऑल्टो में, पुरानी वाली से इस न्यू ऑल्टो में। एंड अगर स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड पावर स्टेयरिंग तो मिलता ही है आपको। और जो बेस्ट थिंग अगर सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखें, आपको इसमें ड्राइवर एयरबैग भी मिलता है। तो अगर ऊपर हम चेक करें तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है मेरी हाइट के हिसाब से 5'6" के पर्सन के लिए। एंड मेरे को लगता है कि अगर 6 फुट का भी बंदा है तो काफ़ी कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं उसको। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बैक डोर मिरर आपको देखने को मिलेगा, बैक व्यू मिरर एंड लाइट्स की प्लेसमेंट यहाँ की गई है, तो येलो लाइट मिलती है। बाकी अगर वैनिटी में चेक करें तो वैनिटी में आपको बेसिक सनशेड्स मिलते हैं, कोई मिरर की ऑप्शन नहीं है इसमें। वहीं पे अगर हम आए गियर की ओर, तो गियर्स में 5 गियर्स ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट 2 पावर विंडोज मिलती हैं कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी वेकेंट स्पेस वगैरह, कप होल्डर्स फ्रंट में 2, यहाँ से आप अच्छे से चेक कर सकते हैं फ्रंट में 2 कप होल्डर्स एंड सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक स्पेस वेकेंट दी गई है। यहाँ पे आप चार्जर वगैरह लगा सकते हैं गाड़ी का। बाकी एसी का प्लेसमेंट इसमें बहुत बढ़िया की गई है। और अगर बात करें तो इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया है, काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में सामान आप इसमें रख सकते हैं। सो इंटीरियर बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाई गई है इसमें, तो पहली ऑल्टो में जो बॉडी आया करती थी उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड वहीं पे सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई हैं पहले से, ड्यूल टोन इंटीरियर की तो बात कर ही रहा हूँ आपसे। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलता है, वो आपको एक्सटर्नली लगवाना पड़ेगा, टॉप मॉडल जो है उसमें शायद मिलता हो। तो अब चलते हैं बैक सीट्स की ओर। तो ये था फ्रंट का, ये था कुछ फ्रंट के बारे में। तो अब हम चलते हैं बैक साइड में और बैक साइड की और सीट्स की चेक करते हैं कि कैसी हैं बैक सीट्स और बैक साइड। एंड यहाँ पे चाइल्ड लॉक की सेफ्टी आपको बैक डोर्स में देखने को मिलेगी, तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन रहता है खासकर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, तो उनकी सेफ्टी रिगार्डिंग। एंड बैक साइड में भी आप चेक कर सकते हैं कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फोर पीपल के लिए तो बेस्ट है। अगर फिफ्थ पर्सन बैठना चाहे तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो सकता है, बट अभी आप लेग रूम चेक कर सकते हैं, सीट को मतलब कि मीडियम एडजस्ट किया गया है
एंड ये बिल्कुल बैक साइड में लेटा रखी है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि लेग रूम काफ़ी बड़ी है मेरे जैसे 5-6 के पर्सन के लिए। एंड वहीं पे और साइड्स की बात करें तो बाकी तो सब जैसा आगे था साइड में था वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जो ऊपर डोर हैंडल्स आप इंटीरियर से कह सकते हैं कि सेफ्टी मेजर के हिसाब से, तो वो भी बेसिक से दिए हुए हैं। एंड हेडरूम की बात करें अगर, तो हेडरूम ठीक है, ज़्यादा बेटर भी नहीं कह सकते हैं, बट ओके ओके। तो ये तो था बैक के रिगार्डिंग बैक स्पेस। अब चलते हैं बूट स्पेस की ओर, और बूट स्पेस कितनी ज़्यादा कितनी है कितनी नहीं तो वो भी चेक करते हैं। तो अगर बैक साइड में आए और बैक साइड में बूट स्पेस नहीं चेक किया तो क्या फ़ायदा, तो इसलिए अब इसकी बूट स्पेस चेक करेंगे। एंड बूट स्पेस इसकी है अराउंड 180 लीटर्स के करीब, तो खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ तो नहीं कह सकते, बट छोटी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है 180 लीटर्स की बूट स्पेस। एंड वहीं पे आपको ये जो सीट्स हैं एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ मिलती हैं, आप इनको आगे गिरा सकते हैं जिसकी वजह से बूट स्पेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। तो स्प्लिट का ऑप्शन तो नहीं है, बट स्टिल इतना ऑप्शन दिया है आपको कि आप इसे आगे गिरा के और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं बूट स्पेस। सो अगर यहीं पे नीचे वाली साइड चेक करें तो एक स्टेपनी व्हील देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 14 इंचेस एंड सम टूल किट्स एंड ऑल, जो कि बेसिक चीज़ है। ये था बूट स्पेस के रिगार्डिंग। सो अभी फ़िलहाल अपन आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और सोचा क्यों ना एक स्पिन लिया जाए और गाड़ी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया जाए कि ऑल्टो 800 जो है वो चलाने में कैसी है एंड कितनी ज़्यादा बढ़िया है चलाने में और कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल। तो अभी तक तो यहाँ अपने घर से मैं यहाँ तक कार लाया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडल तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इजीली घूम जाता है। बाकी पावर स्टेयरिंग में जो पहले आते थे वो थोड़े से मतलब कि टाइट होते हैं कॉर्नर्स में मोड़ने के दौरान, ये बट बहुत ही ज़्यादा लाइट कर रखा है। बाकी चला के देखते हैं इसकी पावर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि कितनी ज़्यादा बेटर है। एंड वन मोर थिंग कि जो इसका एक्सलरेशन पैडल है वो भी मतलब कि पुराने की तरह नहीं दिया गया है कि आप दबाते रहोगे तो अंदर दबता रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेटर टाइप में दे रखा है कि जस्ट हल्का सा भी प्रेस करोगे, पहली बात तो प्रेस ज़्यादा होता नहीं है, अगर हल्का सा प्रेस करोगे तो नॉर्मल सेफ्टी फीचर के हिसाब से बहुत बढ़िया चलता है ये। सो लेट्स चलते हैं अभी। अभी आए हैं थोड़े खाली से एरिया में, बाकी गियर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, सब कुछ बढ़िया है, स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, पावरफुल भी काफ़ी बढ़िया है, 800 cc के हिसाब से पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसकी। तो अभी बेसिकली मैं हिली एरिया में कार चला रहा हूँ ताकि इसकी पावर का अच्छे से पता चल सके। सो थर्ड गियर में 30 की स्पीड से नीचे ही है, मतलब 25 से ऊपर की स्पीड थर्ड गियर में भी ईजिली चल रही है, तो पावर तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो ये थर्ड गियर था, अगर मैं वही फोर्थ गियर पे डाल दूं तो थोड़ा सा पावर में लैग नज़र आता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर यही थोड़ा 29-30 के ऊपर हो तो फोर्थ गियर इजीली चल जाता है। तो 800 cc के हिसाब से ये इतना बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग जो इसमें सेफ्टी फीचर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते हैं, तो बेसिकली जब भी अगर आप भूल भी जाएं डोर को लॉक करना या इसके लॉक्स करना भूल जाएं तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे ही जो गाड़ी है वो 20 की स्पीड के ऊपर जाएगी या 10 की स्पीड के ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेटर फीचर दे रखा है एक। Guys enjoyed this video. So this was about Alto 800 VXI and price related details jitni bhi aapko description mein mil jayengi, and please follow me on all social media links. Baki description mein aapko aur detail mein mil jayega har ek part ke bare mein, agar janna ho to check karein. Yaar aap log देख बहुत कम रहे हो, और जो देखते हो वो सब्सक्राइब नहीं करता है, तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सो टिल देन bye and do check the description. So thank you guys, be cool, be happy and enjoy your life.